पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में महानगर स्थित शास्त्री चौराहे पर 151 वृक्ष दान कर मनाया गया। इस अवसर पर राहगीरों को वृक्षा दान कर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया गया। इस संबंध में कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने बताया कि आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर वृक्षदान कर आम जनमानस से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार पांडे, प्रदेश सचिव अनुसूचित विभाग के इंजीनियर अमित कन्नौजिया, विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा, प्रखर पांडे, आशीष अग्रहरी, अंकित पांडे, समद अंसारी, CP राय, विनोद कुमार, गोलू कुमार, केतन तिवारी, रोहन पांडे और ललित निषाद समेत युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने कहा, अभिजीत पाठक, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस गोरखपुर। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, भारत रत्न, हम सबके प्रेरणा स्रोत, संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वृक्षदान का कार्यक्रम हम लोग जिला युवा कांग्रेस यहाँ पर कर रहे हैं गोरखपुर में। इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में विगत दिनों में EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कानून में बदलाव किया गया है और पर्यावरण कानून में ढील दी गई है। इससे हमारा एक सांकेतिक विरोध है केंद्र सरकार के खिलाफ कि जो कल कारखानों को आप छूट दे रहे हैं और पर्यावरण की सुरक्षा को हानि पहुंचा रहे हैं, उससे आप सचेत हों और पर्यावरण के संदर्भ में और दृढ़ हों ताकि हम सब एक सुरक्षित पर्यावरण में रह सकें।